घर के मुलाजमों को जरा अच्छी तरह समझा देना कि सारा की गुमशुदगी की खबर घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इसका जिक्र किसी से मत कीजिएगा। आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, शाजवा जाओ नाश्ता लेकर आओ, कोई जूस वगैरह पिलाओ इन्हें। हाँ मैं भी लेकर आऊँ। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको क्यों कुछ नहीं चाहिए? आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है सन, आप तो ऐसे बीमार हो जाएंगे। जब तक सारा घर नहीं आ जाती एक नवाला मेरे हलक से नहीं उतरेगा। अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो मेरे हलक से कैसे नवाला उतरेगा? प्लीज जिद नहीं करें, आए नाश्ता कर लें हमारे साथ। जिद मत करो शाजवा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। घर के मुलाजमों को जरा अच्छी तरह समझा देना कि सारा की गुमशुदगी की खबर घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इसका जिक्र किसी से मत कीजिएगा। अरे नहीं हसन साहब, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपकी इज्जत हमारी इज्जत, इस घर से कोई बात बाहर जाएगी नहीं। जानता हूँ, पूरा एतमाद है मुझे आप। मैं जहीन के साथ पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा कि सारा को लेकर ही वापस आऊं। तो फिर मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सब्सक्राइब टू AY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट।